दिस इज ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल ऑपरेटर टर्मिनेशन लॉस एंड बेंडिंग लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑन द टर्न एंड दिस इज अ वेरिएबल सप्लाई 0 to 6 वोल्ट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन एंड पिन डायोड रिसीवर। इन दिस केस द पॉजिटिव कनेक्टर टू पॉजिटिव एंड दिस वन कनेक्ट टू लेफ्ट एंड द ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट टू ऑप्टिकल फाइबर ट्रेनर ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमीटर टू पिन डायोड रिसीवर एंड योर स्विच पोजिशन इन मिली वोल्ट डायरेक्शन एंड द आउटपुट इज कनेक्ट टू योर डिस्प्ले यूनिट नाउ वेरी द वोल्ट देन सी द डिस्प्ले योर मिली वोल्ट इज दिस वन। Now we calculate the winding loss and the termination loss for your purpose. Another then now we have to connect to the this one negative to negative and this one 40 supply to 40 and the optical fiber transmitter connected to photo transmitter receiver and the output is connected to this one. The switch is positioned in millivolt. Then now switch on the turning it, then we vary the volt. Then you see your voltage increase. Now we have power measurement diode and the output is this one in dB. Then in this experiment you switch on in dB side. Then this one to this one and that is in this experiment the optical fiber transmitter to optical fiber connect to power measurement the properties of power measurement module is this one. This is negative to minus 454 negative to 6.9 approximately that property is 54 volt to decrease and minus k 5 volt that is the something of 6.9 then your loss of optical fiber that's it. Sir, आपको optical fiber training for physics वाला numerical operators attenuation loss and bending loss वाले तो आप जैसे इसको सबसे पहले आपने ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमीटर करना है आपकी 0 to 6 वोल्ट आपकी वेरिएबल पावर सप्लाई है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कनेक्ट कर देना। उसके बाद जो आपकी केबल होगी ये आपने यहाँ से कनेक्ट करके उसके बाद आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना और स्विच आपने मिली वोल्ट की तरफ कर देना। ठीक है, इस इन केस में ये आपको कनेक्ट कर देना। जैसे देखो आप वोल्टेज वेरी करोगे देखिए सर आपकी ना मिली वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है,
तो जितना ये इसका फायर का बर्निंग लॉस है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने चेक करना है 660 ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है सर। तो नेगेटिव टू नेगेटिव आनी चाहिए, ध्यान रखना आप नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका ऐसे शो होने लग जाएगा, इसको जीरो करना है वोल्टेज को पहले, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसको फोटो ट्रांजिस्टर रिसीवर पे, ठीक है सर। उसके बाद ये आउटपुट इसकी मिली वोल्ट में रखनी है, तो देखो आपकी वोल्ट आ जाएगी 5-6, ठीक है सर। उसके बाद आपने जैसे पावर मेजरमेंट मॉड्यूल को करना है तो आप इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है सर। और जिन केस में आपने डी बी सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ लगाओगे, देखो 0 पे होगा तो -53 आ रहा है, और आप इसको वेरी करोगे तो आपका -6.3 हो जाएगा सर। जो आपका पावर मेजरमेंट मॉड्यूल होता है इसकी जो वेरिफिकेशन होती है वो यही होती है -55 से -5, मतलब ये आपका थोड़ा बेंडिंग लॉस आ रहा है तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इन न्यूमेरिकल ऑपरेटर देन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्ट टू डिफरेंट साइड मॉड्यूल adjust the volt and calculate the numerical operator and this one this one that's it